हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय डब चैनल नेचुरल ब्यूटी एंड हेयर ट्रीटमेंट। मैं हूँ सीमा। अपने चैनल पर मैं शेयर करती हूँ डेली विजमिक शॉर्ट वीडियो एंड ऑल्टरनेटेड डेज पर हमारे चैनल पर लॉन्ग वीडियोस आती हैं, जैसे स्किन केयर हो गया, हेयर केयर हो गया। आप लोग स्किन केयर की तो बहुत सारी वीडियोस को देखते नहीं हैं और फिर कहते हैं दीदी हमें स्किन केयर करनी है। बहुत सारी वीडियोस मैंने आप लोग के साथ में शेयर करी हैं। अगर आप कोई भी स्किन सीरीज को उठा करके फॉलो करते तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। बिकॉज क्या होता है ना, सारी ही चीज़ें घूम फिर कर करने पर डिपेंड करती हैं। अगर आप किसी चीज़ को कर रहे हैं तो रिजल्ट आएंगे, नहीं कर रहे हैं तो रिजल्ट नहीं आएंगे। तो क्या होता है कि कोई भी चीज़ होती है ना, वो मेंटेनेंस मांगती है। चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपका बाल हो, चाहे वो आपका स्किन हो, चाहे वो आपका एक छोटा सा बेबी ही क्यों ना हो। जैसे हमारे नेल होते हैं हाथों के, अगर हमने नेल को लंबा किया है तो उस पर हम केयर करते हैं, नेल आर्ट बनाते हैं, नेल पेंट लगाते हैं, रिंग्स वेयर करते हैं, तो क्या होता है हमारे हाथ बहुत खूबसूरत लगते हैं। वैसे ही बाल हैं, जितना आप बालों पर केयर करते हो नेचुरल चीज़ों से, ऐसा नहीं कि पार्लर जाकर के स्मूथनिंग करा ली, रिबॉन्डिंग करा दी, कैरेटिन ट्रीटमेंट करा ली तो आपके बाल खूबसूरत हो जाएंगे। नहीं, आपको मेहनत करना है घर की चीज़ों से, क्योंकि चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो वो वाला काम नहीं करना है स्मूथनिंग और रिबॉन्डिंग और कलर करा के। आप घर पर भी सारी चीज़ों को कर सकते हैं और अपने बालों को अच्छा घना मोटा बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं नेचुरल कंडीशनर, जो कि आप अपने घर पर बनाएंगे खुद से घर की चीज़ों से। बहुत ही मैजिकल है, इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं कि बालों की डेंसिटी, बालों की लेंथ, बालों की स्ट्रेंथ और बालों में लचीलापन लेकर के आएगा, बालों की ग्रोथ को भी बूस्ट करेगा। ये ऐसा नेचुरल कंडीशनर है होममेड आपका, जो कि आप इसको अपने स्कैल्प पे भी लगा सकते हैं, लेंथ पे भी लगा सकते हैं। जो बाल आपके बीच बीच में कहीं कहीं फंस फंस के टूट जाते हैं, दो मुहे बालों की समस्या होती है, उनको बहुत अच्छे से क्योर करता है। बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, बट क्या है, जो मार्केट के कंडीशनर होते हैं उनको लगा करके हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली वॉश कर देते हैं। इसको भी आप लोग डायरेक्टली लगाकर 5 से 6 मिनट का वेट कर सकते हैं और उसके बाद नॉर्मल पानी से रिंस कर सकते हैं। आप चाहें तो उसको एज अ हेयर मास्क भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इसको बनाएंगे तो इसको बनाने का जो पूरा प्रोसेस है अच्छे से देखिएगा, वीडियो को समझिएगा। ऐसा नहीं कि आपने वीडियो को फॉरवर्ड किया और बढ़ा बढ़ा करके आपने देख लिया, फिर आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो मेरे लिए रेडी रहते हैं। तो आपको क्वेश्चन पुटअप नहीं करना है, वीडियो को अच्छे से देखना है। दूसरी चीज़ ये कि हमारे चैनल पर बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। आप चाहें तो हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, वीडियो कंसल्टेशन ले सकते हैं और कस्टमाइज प्रोडक्ट ले सकते हैं। बहुत सारे लोग मैसेज कहते हैं कि कस्टमाइज प्रोडक्ट लेना कहाँ से है। भाई, कस्टमाइज प्रोडक्ट हमारे हैं तो आप हमसे ही परचेज करेंगे। आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, कस्टमाइज प्रोडक्ट के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर, जिससे कि आपको सही इंफॉर्मेशन और आपके साथ कोई भी फ्रॉड ना हो सके। दूसरा ये है कि हम 3 महीने का ही पैकेज देते हैं, 1 महीने का पैकेज हमारे पास में नहीं है, क्योंकि आपके बालों में 1 महीने का कोई भी रिजल्ट नहीं आता है। अगर आपको 1 महीने का करना है, 1 दिन का करना है, 7 दिन का करना है, 5 दिन का करना है, तो चैनल पर इतनी रेमेडीज पड़ी हैं, आपको फालतू में इतने पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है और अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है। आप चैनल से देख करके चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं और अपने बालों को हेल्दी, मोटा, घना बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा जो नेचुरल होममेड कंडीशनर है उसको कैसे प्रिपेयर करना, फिर मिलते हैं। सो गाइज, आज की वीडियो में हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं नेचुरल कंडीशनर। आप लोग बहुत ज़्यादा कंडीशनर की डिमांड करते हैं, तो कंडीशनर कैसे बनाना है आज की वीडियो में हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। बिल्कुल मार्केट जैसा, बट ये ऐसा कंडीशनर है जो कि आपके बालों की ग्रोथ को भी बूस्ट करेगा, आपके बालों में डेंसिटी को इम्प्रूव करेगा। आप इसको जड़ पर, लेंथ पर, हर जगह लगा सकते हैं। थोड़ा सा इसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा आप लोगों को डिफ़िकल्ट लगेगा, बिकॉज इसका प्रोसेस ही अलग है। हमने यहाँ पर चावल और अपना अलसी यानी फ्लैक्सीड को भिगा के रख दिया है, ठीक है। और इसको भिगा के रखने के बाद से आपका जो इसकी कंसिस्टेंसी होगी कुछ ऐसी हो गया, देख सकते हैं ना, बिल्कुल जेली फॉर्म में हो गया, मतलब हमें जेल निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जब इसको भिगोएंगे आप, तो आपको क्या करना है, 3 चम्मच चावल, 2 चम्मच फ्लैक्सीड और 1 कप के करीब आपको पानी लेना है। उसमें आपको 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डालना है, ठीक है, क्योंकि इसमें खमीर उड़ जाएगी तो ये बालों की ग्रोथ को बहुत अच्छे से बूस्ट करेगा। 1/2 कप पानी लिया है और ये भीगा हुआ फ्लैक्सीड और राइस हम इसमें ऐड कर देंगे। सो गाइज, यहाँ पर जो हम लोग अपना नेचुरल कंडीशनर बना रहे हैं, ये आपके बालों की ग्रोथ को तो बूस्ट करेगा, साथ में स्ट्रेटनिंग का भी काम करेगा। अगर आप इस नेचुरल कंडीशनर को अपने बालों में लगा करके फॉइल पेपर से रैप कर दें तो ये आपके बालों में स्ट्रेटनिंग का भी काम करता है। अगर आप इसको स्ट्रेटनिंग पर्पस से यूज़ करेंगे तो इसको आप 2 घंटे लगा सकते हैं, और अगर आप कंडीशनर की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको अपने धुले हुए बालों पर 20 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दीजिए, उसके बाद नॉर्मल पानी से आप इसको रिंस कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 बाल ले आते हैं, उसके बाद मिलते हैं। सो गाइज, यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो लिवन कंडीशनर है, हमारा जो कंडीशनर है नेचुरल,
वो अच्छे तरीके से पक चुका है और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट सा दिख रहा है। तो चलिए देख लेते हैं आगे का प्रोसेस। सो गाइज, इसका जो मिक्सचर है हम लोग निकाल लेंगे और निकालने के बाद से इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। जो हमारा ये चावल और फ्लैक्सीड बच जाएगा इसको फेंकना नहीं है, हम इससे आपको बनाना सिखाएंगे स्ट्रेटनिंग क्रीम, जो कि आप अपने लिए बालों के लिए घर पर बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम स्टोर करके रख देंगे, इसका कोई फेंकने की ज़रूरत नहीं है, इसका आप नेक्स्ट रीयूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी भी बहुत अच्छा है और इसमें बहुत सारी गुडनेस है। ठीक है, सो गाइज़ यहाँ पर हम डालेंगे नेक्स्ट ग्लिसरीन की 2 बूंद, उसके बाद डालेंगे एवोकाडो ऑयल सिर्फ 2 ड्रॉप्स, फिर ऐड करेंगे हम बेसिल एसेंशियल ऑयल यानी कि तुलसी का तेल 2 से 3 बूंद। आप यहाँ पर डाल सकते हैं ज़्यादा, क्योंकि अभी मौसम भी आपका ख़राब है, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं 4 से 5 बूंद भी डाल सकते हैं, 10 बूंद भी डाल सकते हैं, बट सूट होने के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो चीज़ें कितना सूट कर रही हैं, आपके स्कैल्प में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही हैं, बिकॉज जो एसेंशियल ऑयल होता है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद से इसको हम लोग फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठीक है, जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर लेंगे एक एयर टाइट कंटेनर में। सो गाइज, यहाँ पर हमारा नेचुरल होममेड कंडीशनर बनकर रेडी है, आप इसकी कंसिस्टेंसी को देख सकते हैं। तो इसको आप लोग बनाइए और यूज़ कीजिएगा, मेरे साथ इसका फीडबैक शेयर कीजिएगा। मैं आप लोग को एक बार इसका जो क्वालिटी है एक बार निकाल कर दिखा देती हूँ। तो जब आप इसको यूज़ करेंगे तो इस तरीके से ये आपको निकलेगा और इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, जब हाथों पे इतनी साइन है तो कितना ज़्यादा शाइन आएगा जब आप इसको अपने बालों पर लगाएंगे। तो अब इसको आप जब लगाएंगे तो गीले बालों पर ही लगाना है और 20 मिनट का वेट करना है। तब तक के लिए आप अपना ब्रश कर सकते हैं या बॉडी स्क्रबिंग कर सकते हैं, जो भी आप करते हो अपना। ठीक है, सो गाइज, इस नेचुरल कंडीशनर को आप बनाइए और यूज़ कीजिए और इनके जो भी फीडबैक आए हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज एक कमेंट आपका हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है। जैसे कि आप अपना फीडबैक दे रहे हैं तो बहुत सारे लोग ट्रस्ट करते हैं और बहुत सारे लोग चीज़ों को बना करके उस प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी रेमेडी के साथ में। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए। सो गाइज, देखा आपने हमारा जो कंडीशनर है बहुत ही लाइट फॉर्मूला बनकर रेडी है। इस कंडीशनर को कांच के जार में, प्लास्टिक जार में, किसी भी पंपिंग बॉटल में आप इसको रख सकते हैं। जब भी आपको इसका प्रयोग करना है अपने बालों को, शैम्पू कीजिए, शैम्पू के बाद से अपने पूरे बालों पर, जड़ों पर इसको 2 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए या 20 मिनट के लिए लगा लीजिए। उसके बाद नॉर्मल पानी से रिंस कर सकते हैं। जब भी आप अपने बालों को वॉश करेंगे तब तब आप इस कंडीशनर का प्रयोग कर सकते हैं। रिजल्ट इसके बहुत अच्छे हैं, बट सारी ही चीज़ें कहाँ पर ख़त्म होती हैं, करने से होता है, करोगे तो रिजल्ट आएंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप अच्छी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फुल वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी तो लाइक जरूर कीजिएगा। बाय।